we have already completed chapter number 1, rational numbers. Let's begin with chapter number 2, that is linear equations in one variable. सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो सीखेंगे हम, जो हमें देखना है, ये linear word क्या है, equation क्या है, variables क्या है. ये start करने से पहले थोड़ा सा हम algebraic expressions का introduction part देखेंगे and then we come to the topic that is linear equations in one variable. सबसे पहली चीज़ ये देखें, क्योंकि बच्चों आपने already देख पढ़ा हुआ है कि ये variable क्या होता है. What do you mean by a variable? Variable means which keeps on varying, जो कि समय, हर समय परिवर्तित होता रहता है, change होता रहता है, which keeps on changing, जिसकी value कभी fix नहीं होती, that is known as a variable. For example, यदि अपन daily life से related example देखते हैं, तो आप यदि डेली टेम्परेचर नोट करेंगे तो ये टेम्परेचर आपका वेरिएबल होगा. अमाउंट ऑफ रेनफॉल फॉर लास्ट 10 डेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन क्लास, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ वेरिएबल. नंबर ऑफ मैंगोज on different trees in a garden, in a mango garden. These are some examples of variables. We represent variables by small letters of the alphabet, that is x, y, z, etc. It can be a, b, c also. So this is variable. Now the another term which comes to a mind, which we come across, that is constant, which do not change, which have a fixed value, is known as a constant. Example यदि अपन देखें इसके, तो number of students in a class in a particular session, this is one. Another example, number of fingers in your hand, number of legs of a cow, etc. These are some examples of constants. Exceptions may be there. Now, when we combine the variables and constants along with the arithmetic operations, concept, plus, minus, multiply, ये arithmetic operations से जब हम variables और constants को मिला देते हैं, तो ये बन जाता है आपका algebraic expressions. These are termed as algebraic expressions. So algebraic expressions are combinations of variables, constants and arithmetic operations. Arithmetic operations. Example, 2x plus 5, 3x minus 7, x square plus 2x plus 5. These are all examples of algebraic
एक्सप्रेशंस। अब हम बात करते हैं इक्वेशंस क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि लीनियर क्यों है और लीनियर क्या है और इस चैप्टर की क्या इम्पोर्टेंस है। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों इक्वेशंस क्या है। कंडीशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब है, इक्वेशन वर्ड आया इक्वल टू साइन से। सो कंडीशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस is known as equation। अब यहां पे हम बात करेंगे, एग्जाम्पल लिखते हैं पहले। 2x plus 5 equal to 7, 3x minus 5 equal to x माइनस 3। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इक्वेशंस, क्योंकि इसमें हमने इक्वल टू साइन का यूज किया है। सो इक्वेशन इज द कंडीशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू अलजेब्रिक expressions। Now we'll discuss the term that is linear। Linear क्या है? Linear का मतलब होता है if the highest power of variable is 1, then the equation is said to be a linear equation। The examples 1 and 2 given above, these are examples of linear equations। In how many variables? One variable, क्योंकि यहां पर हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज किया है। ये जो इक्वेशन है जिसमें कि हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 है, ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आप क्लास 10th में पढ़े। अब यहां पे हमें जो चैप्टर है दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इसका मतलब कि जो लीनियर इक्वेशन है वो टू वेरिएबल्स में भी हो सकती है, थ्री वेरिएबल्स में भी हो सकती है। तो जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है वो हम क्लास 9th और 10th में डिस्कस करेंगे। दैट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ क्लास 9th एंड क्लास 10th। तो यहाँ पे बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि ये लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्या है और क्या एग्जांपल्स है। नाउ वी लर्न द मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन में बच्चों एक मेथड आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 7th में पढ़ी थी, जिसको कि ट्रायल एंड एरर मेथड पढ़ते हैं। बट ट्रायल एंड एरर मेथड इज नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल, तो इसीलिए वी यूज द मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन। अब ये देखेंगे कि ये ट्रांसपोजिशन क्या होता है। ट्रांसपोज करने का मतलब होता है टर्म्स आर ट्रांसपोज्ड, टर्म्स आर शिफ्टेड फ्रॉम, टर्म्स आर शिफ्टेड फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। टर्म्स को हम एक तरफ से दूसरे तरफ शिफ्ट करते हैं, मतलब LHS टू RHS और RHS टू LHS, that is known as transposing the term or transposition।
अब देखिए कि रूल क्या है. रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन इज रूल ऑफ ट्रांसपोजिंग. When we transpose the term, when we transpose the term from one side to any other side, then positive term taken to the other side becomes negative term. Positive added है तो subtracted में convert होगा. सब्ट्रैक्टेड है. एक्चुअली यहां पर साइन चेंज नहीं होता है बच्चों, जो ऑपरेशन है वो चेंज होगा. एडिशन चेंजेस टू सब्ट्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन चेंजेस टू एडिशन. एडिशन चेंजेस टू सब्ट्रैक्शन, subtraction changes to addition, multiplication changes to division and division changes to multiplication. ये है rules of transposing. बेसिकली हम टर्म्स को ट्रांसपोज करते हैं या वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को ट्रांसपोज करते हैं. अब यहां पे विल डिस्कस सम एग्जांपल्स एंड विद द हेल्प ऑफ दोज एग्जांपल्स यू विल बी इट विल बी क्लियर टू यू हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. पहले हम मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन सीखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, और उसके बाद फिर हम आगे जाकर के इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, विच आर ऑलरेडी रिलेटेड टू योर डेली लाइफ सिचुएशंस. नाउ विल टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही आसान सा. एग्जाम्पल नंबर वन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. टाइप वन, फर्स्ट टाइप, वेरी सिंपल वन. विल टेक टू थ्री एग्जांपल्स. ओके, तो टाइप वन में हम ले रहे हैं सिर्फ एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी. That is, there is the variable is only in the left hand side of the equation or in the right hand side of the equation. So very simple one. Let's take an example. Example number one. 2x plus 5 is equal to 7. Solve. And check also. Solve and check. 2x plus 5 is equal to 7. अब इसमें देखिए यहाँ पे plus 5 है. हमें variables को left hand side में रखना है, constants को right hand side में ले जाना है. तो ये जो 5 है, constant है, इसको हम पहले इधर transpose करेंगे. और अभी हमने कहा था 5 यहाँ पर addition में है, इधर जाकर subtraction होगा. ये वाला term आपका as it is 2x equal to 7. प्लस 5 था, एडिशन था, इधर आकर माइनस 5 हो गया. 2x इक्वल टू 7 माइनस 5, 2. अब यहाँ पे देखिए, ये जो 2 है, 2x मतलब 2 इन 2x, 2 मल्टीप्लाइड बाय x. तो जब x को हम 2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 अपॉन 2, सो x इज इक्वल टू 1. बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी कॉमन मिस्टेक होती है, वेरी कॉमन मिस्टेक, सम ऑफ यू में डू इट. जब 2 से 2 कैंसिल होता है हम इसको 0 लिख देते हैं, बट इट इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज एक्चुअली इक्वल टू 1. तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1. ये हमारा सॉल्यूशन है.
अब हमें इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए आपको जो भी x की वैल्यू मिलेगी वो आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इफ़ यू गेट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल, दैट मीन्स द सॉल्यूशन इज वेरीफाइड और चेक। तो चेक के लिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। 2x + y, 2 × 1 + 5, व्हाट मास रूल फॉलो करना है, 2 × 1 = 2 + 5, 2 + 5 = 7 एंड 7 इज योर राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, हेंस इट इज वेरीफाइड। तो ये बहुत ही छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया था। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, 3x / 2 + 4 = 7। अब सबसे पहले हम यहां पर प्लस को ट्रांसपोज करेंगे, इधर ये 2 नहीं जाएगा, प्लस 4 जाएगा। 3x / 2 = 7 - 4, 3x / 2 = 3। अब ये 2 ट्रांसपोज होगा इधर, तो 2 यहाँ पे डिवीजन में है, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 3x = 3 × 2। अब ये 3 यहाँ से ट्रांसपोज होगा इधर, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाकर डिवाइड होगा, x = 3 × 2/3, 3 से 3 कैंसिल किया, x = 2 इज द आंसर। लेट्स चेक अगेन, चेक लेफ्ट हैंड साइड है, 3x / 2 + 7, 3 × 2/2 + 4, 2 कैंसिल, 3 + 4 = 7, और ये है आपका राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो ये तो जो इक्वेशन थी टाइप 1 की, इट्स अ वेरी सिंपल इक्वेशन एंड विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन सॉल्व एक्सरसाइज 2.1 ऑफ NCERT। ओके, अब हम देखते हैं टाइप 2, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। टाइप 2 में हम वो इक्वेशंस डिस्कस करेंगे जिसमें कि दोनों तरफ वेरिएबल्स होते हैं, विच कंटेन्स द वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। जहां पे टाइप 2 इक्वेशन कंटेनिंग वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स तो इसमें हमारा सबसे टारगेट जो होता है, सारे वेरिएबल्स वाले टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और कॉन्स्टेंट्स वाली टर्म्स को RHS में ले जाएंगे। ये है हमारा प्रोसेस, और फिर सिंप्लीफाई कर देना। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एग्जाम्पल नंबर वन, टाइप 2 का एग्जाम्पल नंबर 1। मान लीजिए इक्वेशन है 4 × 3m + 1 - 2 × 2m + 3 = 3 × m + 4 + 2m + 7। अब इस इक्वेशन में सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। पहले ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर m वाली सारी टर्म्स हमारी LHS में आएंगी, कांस्टेंट वाले सारे टर्म्स RHS में जाएंगे। याद रखिएगा बच्चों, ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड, दैट इज द रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे कि यहाँ 3m + 1 लिखा है, तो कुछ बच्चे गलती से इसको 4m लिख देते हैं, ये 4m नहीं हो सकता,
ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है. सिमिलरली दीज कैन नॉट बी एडेड बिकॉज दीज आर नॉट लाइक टर्म्स. तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे. तो यहाँ पे 4 × 3m हो गया 12m प्लस 4 × 1 प्लस 4 माइनस 2 × 2m माइनस 4m माइनस 2 × 3 माइनस 6 इक्वल टू 3 × m 3m प्लस 3 × 4 12 प्लस 2m प्लस 7. ओके, अब यहां पे हम सबसे पहले लाइक टर्म्स को कंबाइन कर ले ताकि हमारे लिए आसान हो जाता है ट्रांसपोज करना. 12m माइनस 4m 12m माइनस 4m बचा हमारे पास 8m प्लस 4 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 6 दैट बिकम्स माइनस 2 इक्वल टू 3m प्लस 2m 5m 12 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 7 19. अब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा 5m इधर ट्रांसपोज होगा और माइनस 2 इस तरफ ट्रांसपोज होगा. सो वी गेट 8m एज इट इज. 5m की हमने पोजीशन चेंज की है, 5m यहां पे प्लस में है, इधर आकर माइनस होगा. 8m माइनस 5m इक्वल टू 19 एज इट इज. माइनस 2 इधर जाकर के होगा प्लस 2 ट्रांसपोज हो गया प्लस 2. अब सॉल्व करें 8m माइनस 5m 3m 19 प्लस 2 21. अब 3 को इधर ट्रांसपोज करना है, 3 को 3m मल्टीप्लाइड है तो m इज इक्वल टू 21 अपॉन 3. सो वी गेट द आंसर एज m इज इक्वल टू 7. अब हम इसको चेक करेंगे. लेट्स चेक इट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ वेरिएबल है तो चेक करने के लिए हम दो कॉलम बना देंगे. चेक लेफ्ट हैंड साइड पहले पूरा एज इट इज लिखेगा 4 × 3m प्लस 1 माइनस 2 × 2m प्लस 3. ये था आपका लेफ्ट हैंड साइड. अब यहां पर m की वैल्यू रखते हैं 4 × 7 + 1 माइनस 2 2 × 7 + 3 4 × 3 = 21 21 + 1 माइनस 2 2 × 7 = 14 + 3 4 × 21 + 1 22 माइनस 2 × 14 + 3 17 4 × 22 = 88 माइनस 34 इक्वल टू आ गया 54. अब हम आर एच एस को सॉल्व करेंगे 3m + 4 + 2m + 7 इक्वल टू 3 7 + 4 + 2 × 7 + 7 3 × 7 + 4 = 11 प्लस 2 × 7 = 14 + 7 11 × 3 = 33 14 + 7 = 21 इक्वल टू 54. सो वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस द सॉल्यूशन इज वेरीफाइड. यदि आपका आंसर गलत है किसी भी तरीके से, यदि आपने सॉल्व किया बाय मिस्टेक यहाँ पे यदि गलती हो गई है तो
तो ये कभी भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यू इक्वल नहीं आएगी, हेंस दिस कैन दैट कैन नॉट बी द सॉल्यूशन. सो दिस वाज एग्जांपल नंबर वन. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, एक एग्जांपल और लेते हैं, टेक वन मोर एग्जांपल सो दैट द कंडीशन विल बी मोर क्लियर टू यू. सबसे पहले हम इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 2.1, 2.3 में दिए हुए हैं और 2.5 और बीच के एक्सरसाइजेस में वर्ड प्रॉब्लम्स. तो एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, 5 upon 2, 5 upon 2, 5 x plus 2 upon 2 plus 6 equal to 9x minus 4 upon 2 plus 5x upon 4. अब देखिए बच्चों, यहां पर जो टर्म्स है उसमें फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, तो ये मैं सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूं. सबसे पहले आप सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लीजिए, दैट इज एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, दैट इज 2, 1, 2, 4. तो 2, 1, 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4. अब जो नेक्स्ट स्टेप है, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 4. हर एक टर्म को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है. तो ये हमारा पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है लेफ्ट हैंड साइड का, ये राइट हैंड साइड का पहला टर्म है और ये राइट हैंड साइड का दूसरा टर्म. ईच टर्म टू बी मल्टीप्लाइड बाय 4 लाइक दिस, 4 into 5 into x plus 2 upon 2 plus 4 into 6 by 1 equal to 4 into 9x minus 4 upon 2 plus 4 into 5x upon 4. 2 ones are 2 twos are 2 ones are 2 twos are 4 ones are 4 ones. तो हमारे पास अब ये जो इक्वेशन बचेगी, 2 into 5, 10 x plus 2 plus 4 into 6, 24 equal to 2 into 9x minus 4 plus 5x. लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन. पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, 10 into x, 10 x, 10 into 2, 20 plus 24, 2 into 9x, 18 x minus 2 into 4, 8 plus 5 x. अब पहले हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे, तो 10 x plus 20 plus 24 हो गया 44, 18x plus 5x 23x minus 8. अब हम ट्रांसपोज करेंगे, x वाला टर्म इधर आएगा, कांस्टेंट टर्म इधर जाएगा, आरो लगा हुआ, तो 10x 23x इधर आया, minus 23x minus 8 as it is प्लस 44 उधर जाएगा, तो ये हो गया माइनस 44. 10x माइनस 23x माइनस 13x, देखिए सब्ट्रैक्ट किया है और बड़े नंबर का साइन लगा दिया, इक्वल टू दोनों का सेम साइन है, ऐड होगा और माइनस का साइन आएगा, 44 प्लस 8 52, सो माइनस 52. x इक्वल टू, अब ये माइनस 13
इधर ट्रांसपोज होगा माइनस 13 इंटू एक्स है, तो इधर जाकर के माइनस 13 डिवाइड होगा, मतलब ये हो गया माइनस 52 डिवाइड बाय माइनस 13। ओके, साइन चेंज नहीं हुआ, मल्टीप्लीकेशन चेंजेस टू डिवीजन, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो गया और 13 फोर 52, आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू 4। दिस इज योर आंसर। नाउ अगेन लेट्स सी हाउ टू चेक द सॉल्यूशन। चेक करने के लिए फिर से वही एक बार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो कॉलम बनाते हैं। एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास 4, दो कॉलम बनाते हैं चेक करने के लिए। चेक, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। LHS में दिया हुआ था 5x प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 6, 5, x की वैल्यू क्या है 4 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 6, 5 इंटू 4 प्लस 2 हो गया 6 अपॉन 2 प्लस 6, 2 वन्स आर 2 3s are 5 3s are 15 plus 6 it is 21। अब हम आर एच एस को सॉल्व करते हैं। 9x minus 4 upon 2 plus 5x upon 4, 9 into x की वैल्यू 4 minus 4 upon 2 5 इंटू 4 अपॉन 4। बेटा यहाँ कैंसिल नहीं होगा, पहले बोडमास रूल लगेगा। 9 4s are 36 माइनस 4 अपॉन 2 प्लस 4 यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, तो बचे हमारे पास 5, 36 माइनस 4 32 अपॉन 2 प्लस 5, अब कैंसिल कर सकते हैं हम 16 टाइम्स, 16 प्लस 5 21, यहां से हमें मिल गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस द सॉल्यूशन इज वेरीफाइड। सो दिस वाज द इक्वेशन ऑफ टाइप 2। एक एग्जांपल और देखेंगे, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। Solve example number 3. Solve and check 2 into 1.5x plus 2.5 equal to 0.5x प्लस 3। देखिए कुछ बच्चों को डेसिमल नंबर देख करके थोड़ी सी घबराहट होती है, किसी को फ्रैक्शन देख के घबराहट होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है, सिंपल रूल्स होते हैं। सो लेट सिंप्लीफाई दिस, 2 into 1.5x, 2 into 1.5 इट विल बी 3x, 15 2 30 होता है, क्योंकि 1.5 है तो 3.0 आएगा, हमने लिखा 3x प्लस 2 into 2.5 दैट इज 5 इक्वल टू 0.5x प्लस 3। अब यहां से 0.5x को इधर ट्रांसपोज करेंगे, 5 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, 3x माइनस 0.5x इक्वल टू 3 माइनस 5,
3x माइनस 0.5x, 3x मतलब 3.0x, और 3.0 में से 0.5 माइनस किया 2.5x बचेगा इक्वल टू माइनस 2। x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2.5। 0.5 है डिनोमिनेटर में, तो यहां से डेसिमल हटाते हैं और एक जीरो ऊपर लगेगा, तो ये हो गया माइनस 20 अपॉन 25। 5 से कैंसिल कर दें, 5 फोर जर 5 जर, मतलब आंसर आया x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 5। नाउ लेट्स चेक द सॉल्यूशन। चेक अगेन सेम, दो कॉलम बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। LHS है 2 इंटू 1.5x प्लस 2.5, 2 इंटू 1.5 इंटू x की वैल्यू माइनस 4 अपॉन 5 प्लस 2.5। मल्टीप्लीकेशन साइन है यहाँ पे, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 5 वन्स आर 0.3 टाइम्स 2 इंटू 4 इंटू 0.3 माइनस 1.2 प्लस 2.5, 2 इंटू प्लस माइनस, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़े नंबर का साइन। तो 2.5 में से 1.2 माइनस किया, 5 में से 2 गया 3, 2 माइनस 1.3, और प्लस का साइन आ रहा है क्योंकि बड़ा नंबर 2.5। मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 1.3 इज 2.6। अब RHS सॉल्व करते हैं। 0.5x प्लस 3, 0.5 इंटू माइनस 4 अपॉन 5 प्लस 3, 5 से ये कैंसिल किया 0.1, 0.1 इंटू 4 माइनस 0.4 प्लस 3.0। 3.0 एक प्लस एक माइनस है, सब्ट्रैक्ट होगा और बड़े नंबर का साइन आएगा, तो बड़ा नंबर यहाँ पे पॉजिटिव है। 3 में से 0.4 माइनस किया तो आपको मिलेगा 2.6। हेंस अगेन वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT exercise 2.1 and exercise 2.3. Thank you.